सिंह ने आग्रह किया था कि सब लोग एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री को बिहार से ताकत दें और बिहार के लिए बहुत गौरव की बात होगी जब हमारे नेता बिहार से चल कर देश की राजनीति को देखेंगे और देश को आगे का राह दिखाएंगे। इन राजकीय नेता के प्रति रही नहीं कोई प्यार तो बताइए एकजुट होकर हम लोग काम करें हम लोग एकजुट क्यों राजकीय यही है कि साथ लेकर चलिए साथ लेकर चल रहे और उसके बाद मैं एक बात आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि जो लोगों का आस्था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में वो उनको छोड़ने नहीं है। हमारे बीच में बड़ा परिवार है हमारे बीच में कभी कोई बात हो हम लोग कोई बात रखे उसको अनैथा मतलब लोग लेते हैं अनैथा लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग नेता प्रति निष्ठा थी है और जो लोग गए हैं यहाँ से वो अपने स्वार्थ में गए या जो भी सब कुछ उसको जहाँ अपने रास्ता मिले हो गए लोग कह रहे थे कि मेरे को खास करके बोला जाता था कि आरसीपी बाबू के साथ हैं जैसे कि आरसीपी बाबू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सम्मान दिया हम उनके साथ काम करते थे लेकिन हमारी आस्था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनको किस प्रकार से लोगों ने भ्रम में डाला या क्या किस प्रकार से दूसरी पार्टी के लोगों ने उनको अपने तरफ किया और क्यों इतने बड़े पद राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा तो कोई पद किसी पार्टी में होते नहीं इतने बड़ा पद पर रहते हुए वो दूसरे लोगों के साजिश में आए ये उनका काम है या उन्होंने जो भी हम लोग शुरू से मुख्यमंत्री के साथ थे है और कहीं कोई टूट की कोई स्थिति जदयू में नहीं जो लोग नेता नीतीश कुमार को मानते हैं वो बड़े मुख्यमंत्री से उनके साथ खड़े रहें तीनों मेरे प्रति काफ़ी बातें रही मैंने जो भी बातें रखी मीडिया में उसके ऊपर भी बहुत चीज़ चला लेकिन एक चीज़ हमेशा था मैंने हमेशा एक बात कहा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के से ही प्रभावित होकर राजनीति में और राजनीति में जदयू मेरी पहली पार्टी इससे पहले न मैं किसी पार्टी का सदस्य था और मैं इसी पार्टी में प्रथम बार आया जब से मैंने राजनीति ही सीखी है। साथियों कई बात होती है कुछ बातें हमारे लगता है हमें कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए पिछले दिनों मैंने बात एक रखी थी प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह भी किया था हम लोग एकजुट हो के जहाँ हमारे नेता आज पूरे देश को एकजुट करने में लगे हैं और जो देश की परिस्थिति है आज जो बेरोजगारी है आज जो महंगाई है आज जो समस्याएं हैं देश के उससे निजात पाने के लिए हमारे नेता आज पूरे देश को एकजुट करके और भाजपा को मुकाबला करने के लिए भाजपा मुक्त देश बनाने की मुहिम में चले हैं। मैंने यही से आग्रह किया था कि हम सब लोग एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार से ताकत दें और बिहार के लिए बहुत गौरव की बात होगी जब हमारे नेता बिहार से चल कर देश की राजनीति को देखेंगे और देश को आगे का राह दिखाएंगे। साथियों मैं हमेशा कहता हूँ कि बिहार में जो विकास हुआ है इतने सालों में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गद्दी संभाली है 24 नवंबर 2005 ऐसा राज्य बिहार के अलावा कहीं नहीं ऐसा विकास और कहीं नहीं देश को ऐसा विकास होना चाहिए देश में ऐसा विकास होना चाहिए इसलिए नेता नीतीश कुमार देश के नेतृत्व करे ऐसी हमारी मंशा है। जहाँ तक सवाल है कि अलग अलग लोग अलग अलग बात उनके साथ है उनके साथ है मैं कभी किसी के साथ नहीं गया ये सत्य है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी से जा रहे थे मेरा प्रयास था कि वो पार्टी में रुके पार्टी में रहें कोई लक्ष्य हमारी बड़ी थी हमें अपने नेता को सब लोग मजबूती से साथ देंगे उनको केंद्र की राजनीति में भेजना था मेरी ऐसी इच्छा थी कि वो ना जाए उससे पहले माननीय आरसीपी सिंह जी भी थे उनके साथ में काम करता था और माननीय नेता के आदेश का अनुसार ही हम लोग आरसीपी बाबू के साथ हो या माननीय वेद कुशवाहा जी के साथ हो हमने काम किया लेकिन लोगों में भरम रहा कि उनके साथ हो उनके साथ मेरी आस्था हमेशा से माननीय नेता नीतीश कुमार में रही है और हम सब लोग मिलकर माननीय नेता के हाथों को मजबूत करेंगे। जहाँ तक सवाल है बाकी लोगों का तो जिनको जहाँ जैसी व्यवस्था बनी वो गए लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय आरसीपी बाबू को भी बड़ा सम्मान दिया पार्टी में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को भी बड़ा सम्मान दिया पार्टी में और कुशवाहा समाज के सभी लोगों को सम्मान मिलता है पिछले लोकसभा में भी 3 सीट दी मुझे लगता है भाजपा में पूरे देश में हमारे समाज को 3 सीट नहीं दी और पूरे देश से 3 सांसद नहीं बने लेकिन हमारी क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद हमारे नेता ने बिहार में 3 सांसद हमारे समाज को दिए। मैं जब एमएलसी था बना उस वक्त माननीय सीपी सिन्हा जी थे मैं बना माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को भी मौका मिला समाज को हमेशा सम्मान नेता ने दिया है और नेता में हमारी आस्था है
हम पार्टी में थे, है, अब बड़ी मजबूती से रहेंगे, यही मुझे बात कहनी थी। और